बच्चों में शिक्षण के प्रति जागरूकता के लिए हम TLM यानी शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करते हैं। हिंदी विषय के अंतर्गत हिंदी व्याकरण को समझने के लिए TLM बच्चों ने बनाया है। आइए हम बच्चों से ही जानते हैं उन्होंने क्या बनाया है। हाँ बेटा, अपना नाम और क्या बनाया हो? मैं प्रिया जॉन, क्लास 10 में हूँ। मैंने पर्यायवाची शब्द बनाया। हाँ बताओ। ये पर्यायवाची इसके नीचे सारे हैं। हाँ बोल के बताओ। अब जैसे ये मछली शब्द है, ये मछली का पर्यायवाची मीन है, मकर है और मत्स्य है। उसके बाद अग्नि है, अग्नि की पर्यायवाची ज्वाला, अनल। इस तरह से पर्यायवाची किससे संबंधित TLM बनाया है। हाँ बेटा तुम बताओ। मेरा नाम अंजना यादव है, मैं क्लास 10 में हूँ। ये पर्यायवाची शब्द है, जैसे वृक्ष का होता है तरु और पेड़, वैसे ये शब्द है। एक एक को बेटा खोलो और बताओ। जैसे भूमि का अब फ्लावर के माध्यम से फूल की पंखुड़ियां कैसे खुलती हैं और उसके बीच यह जैसे भू का पर्यायवाची है भूमि, धरती और ये आकाश का नभ होता है और गगन होता है। बहुत बढ़िया प्रयास, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बनाया है। चलो बेटा तुम बताओ क्या बनाया। मेरा नाम साक्षी बोला। साहित हैं सभी, अपना TLM लेकर के उत्साह के साथ केवल एक बार ही बताने पे इन्होंने अपने अपनी कल्पनाओं का एक नई उड़ान दी है और अलग अलग तरीके का TLM बनाया है। हाँ बेटा बताओ तुमने क्या बनाया। मैंने सर्वनाम बनाया। सर्वनाम यहाँ पर परिभाषा है, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह। और ये सर्वनाम के भेद हैं, जैसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द बोलने सुनने वाले या तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, मेरा, तुम, वह इत्यादि। और ये सर्वनाम के दूसरे भेद है, जैसे संबंधवाचक सर्वनाम, इसमें इसका परिभाषा है जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए शब्दों के परस्पर संबंध प्रकट करते हैं उसे संबंध वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो करेगा सो भरेगा, दोनों में संबंध है। अब निश्चयवाचक सर्वनाम, बहुत बढ़िया, इतना डार्क कलर में डार्क से लिखा है, बहुत अच्छा। ठीक है, तीनों ने सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम के भेद से संबंधित बनाया है। हाँ बेटा आप बताओ क्या बनाया हो। मेरा नाम नामिका यादव है, मैं क्लास 10th की छात्रा हूँ। और मैंने व्याकरण में संधि, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, व्याकरण की सभी चीजों का, संधि, वचन, विशेषण, वाच्य, पदबंध, काल, कारक सबसे संबंधित इन्होंने बनाया है। अब संधि, निकटस्थ वर्णों में होने वाले ध्वनि विकारों को संधि कहते हैं। यहाँ पे इन्होंने संज्ञा से, जिस शब्द से किसी व्यक्ति वश स्थान भाव या गुण का बोध हो वो संज्ञा कहलाता है। बहुत अच्छा। हाँ बेटा तुम बताओ। मेरा नाम प्रीति कुमारी है, मैं TNDD की छात्रा हूँ और मैंने तत्सम तद्भव बनाया है। जैसे कि मैंने नयन का तत्सम नयन होता है, कुआ का तत्सम कूप होता है, आँख का तत्सम अच्छी होता है, इसी तरह आदि की हर चीजों का अलग अलग अपना तत्सम। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। तुम्हारा तद्भव तत्सम का पेड़ और उसकी पत्तियाँ, बहुत बढ़िया। मेरा नाम मेघा कुमारी है, मैं क्लास 10D की छात्रा हूँ और मैंने ये विलोम शब्द बनाया है। बहुत अच्छा। जैसे कि ये पाप का पुण्य हुआ और इच्छा का अनिच्छा हुआ और ये गुण का दोष हुआ, मैंने ये आशा का निराशा। बहुत बढ़िया, हंसता हुआ तुम्हारा क्या है, विलोम शब्द। बहुत अच्छा, तुमने क्या बनाया है। मैं प्रजापति 10th छात्रा हूँ, मैंने संज्ञा के प्रकारों का वर्णन किया है। संज्ञा शब्दों के जिस रूप से व्यक्ति वस्तु अथवा भाव का, व्यक्ति वस्तु स्थान अथवा भाव का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। इसके 5 टाइप होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। बहुत बढ़िया, गुड। मेरा नाम पलक श्रीवास्तव है और मैं क्लास 10D की छात्रा हूँ। पंख फैला और तत्सम भाव, मैंने यहाँ पे तत्सम तत्व बनाया है। जैसे कि सांप का तत्सम होता है सर्प और काट का होता है कष्ट, भाई का होता है काष्ट और भाई का होता है भ्राता, वो बकरा का होता है बनकर
और कौवा का होता है काक, सफेद का होता है स्विंग। बहुत बढ़िया, पंख फैलाओ और तत्सम पाओ, बहुत अच्छा। मेरा नाम सीता चौहान है, मैं क्लास 10th की छात्रा हूँ। मैंने पर्यायवाची फूलदान बनाया है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। जैसे अमृत का पर्यायवाची है, बहुत सुंदर। अमृत का पर्यायवाची अमी अमी सुधा पीयूष। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ये किस चीज की पर्यायवाची है, इसे खोल करके दिखाओ। फूल, फूल का पर्यायवाची पुष्प है, सुमन है, कुसुम है। इस तरह से इन्होंने पर्यायवाची का फूलदान बनाया, बहुत बढ़िया। बैठो। हाँ बेटा, तुमने क्या बनाया? मेरा नाम अक्षय बानो, मैं क्लास 10th की छात्र हूँ और मैंने ये पर्यायवाची गुलदस्ता बनाया है। जैसे भारतवर्ष का पर्यायवाची होता है पूर्ण भूमि, भारत, भरतखंड, आर्यवर्त, आर्यभूमि। बहुत अच्छा। नाक का पर्यायवाची होता है घ्राण, गांधली, सिन्हाड़ी, नकरा और देव। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हाँ बेटा, तुमने क्या बनाया? विलोम सत बनाया, बहुत बढ़िया। वरिष्ठ का विलोम, कनिष्ठ, सौभाग्य का दुर्भाग्य, गहरा का अथला, उथला। उथला क्या होता है, जैसे गहरे में क्या कुआ गहरा है, बाल्टी गहरी है, जो थोड़ी सी थोड़ी प्लेट ऐसे होती है ना कर्व लिए, उसे क्या कहेंगे, उथला। ठीक है, बहुत बढ़िया। मेरा नाम अंगद कुमारी है, मैं बहुत अच्छा। चलो, तुमने क्या बनाया है? मेरा नाम सुमन कुमारी है, मैं 10th डी की छात्रा हूँ। मैंने पर्यायवाची शब्द का TLM बनाया है। जैसे कमल का पर्यायवाची होता है राजीव, सरोज, पंकज, जलज, नलिन और नीरज। बहुत अच्छा। वायु का पवन, समीर, हवा, अनिल, व्यास और वात। और माता का होता है माँ, जननी, अम्बा, माता, धात्री और अंबिका। बहुत अच्छा। तुम बताओ बेटा क्या अपना हो? मेरा नाम रोशनी प्रजापति है, मैं कक्षा 10th की छात्रा हूँ। मैंने पर्यायवाची शब्द का बनाया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, फूल का पर्यायवाची शब्द है कुसुम, गुल, पुष्प, और धरती का पृथ्वी, भूमि, धरती, धरा, और आग का अनल, पावल, पावक, दहक, और नदी का सरी, सरिता, तटनी, और पानी का जल, नीर, वारी, पानी। बहुत बढ़िया। तुमने क्या बनाया? मेरा नाम कनक यादव, मैं क्लास 10th की छात्रा हूँ। मैंने अलंकार बनाया है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष। यमक जहाँ पर एक ही शब्द की अनेक बार आवृत्ति हो, अर्थों में आवृत्ति हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं। एक शब्द की आवृत्ति हो लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हो, यमक अलंकार कहते हैं। खग कुल पुल सम बोल रहा, किसले का अंचल डोल रहा। बहुत बढ़िया। चलो, तुमने क्या बनाया बेटा? मेरा नाम नेहा यादव है, मैं क्लास 10th की छात्रा हूँ। मैंने कारक बनाया है। बहुत बढ़िया। ये कारक का डिफिनेशन है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य का संबंध किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। ये कारक के भेद है कर्ता, कर्म, करण, करण, संप्रदान, आपदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ये कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से अलग, आपादान से उसका भी चिन्ह से होता है लेकिन अलग होने के अर्थ में। जैसे विद्यालय से घर जा रहे हो तो यहाँ पर से जो लगा है अलग हो रहा है, इसलिए वहाँ पे आपादान कारक होगा। ये संबंध का, के, की, रा, रे, री, यहाँ अधिकरण में और पर, संबोधन में हे, अरे। बहुत बढ़िया, गुड। हाँ बेटा, तुम बताओ। मेरा नाम सोनम यादव है, मैं क्लास 10th की छात्रा हूँ और मैंने पर्यायवाची शब्द बनाया है। हाँ। यहाँ पे ईश्वर का है परमात्मा, भगवान, प्रभु, और यहाँ पे पानी का है तोय, नीर, जल, यहाँ पे आग का है पावक, अग्नि और अनल, और यहाँ पे फूल का है कुसुम, सुमन, पुष्प, यहाँ पे धरती का है भू, धरा और पृथ्वी। बहुत बढ़िया तुम लोगों ने बनाया है। हाँ बेटा, तुमने क्या बनाया? मेरा नाम मंतशा खान है, मैं 10th डी की छात्रा हूँ।
मैंने परिभाषा मतलब कि सर्वसंज्ञा, सर्वनाम, वाक्य, क्रिया, संज्ञा, विलोम, वचन और विशेषण के परिभाषा से संबंधित टीएलएम बनाया है। ठीक है, वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द एक ही अर्थ बताते हैं उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। वाक्य दो या दो से ज़्यादा शब्दों के मेल हो वाक्य कहलाते हैं। और जिस शब्द में क्रिया, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। बहुत बढ़िया, तुमने क्या बनाया? या तुम्हारी बास्केट तो बहुत अच्छी है। मैंने विलोम शब्द बनाया है, जैसे जल का थल और आय का वय और अस्त का उदय, उच्च का नीच और कर्म का विकर्म और चोर का साधु और ज्ञान का अज्ञान। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा तुम्हारा है। हाँ, एक बार और पास से दिखाना, बहुत सुंदर। ठीक है, हाँ बेटा तुमने क्या बनाया? मेरा नाम सोनी सहानी है, मैं कक्षा 10th बी की छात्रा हूँ। मैंने तद्भव तत्सम बनाया है, क्योंकि ये है पंख फैलाओ तत्सम पाओ। जैसे घर का तत्सम होता है गृह, डंडा का तत्सम होता है दंड, और दूध का तत्सम होता है दुग्ध, काठ का होता है काष्ठ, हंसी का होता है हास्य, और अमूल का होता है अमूल, सांप का होता है सर्प, नाच का होता है नृत्य, और कौवे का होता है काठ। बहुत बढ़िया, तुमने क्या बनाया बेटा? मेरा नाम पायल चौहान है, मैं 10th बी की छात्रा हूँ। मैंने तत्सम तत्सम बनाया है। बहुत सुंदर। काट का काष्ट, खार का छार, गांव का ग्राम, घर का गृह, चांद का चंद्र, छतरी का छत्र, जमुना का यमुना। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। मेरा नाम श्रद्धा मौर्य है, मैं कक्षा 10th की छात्रा हूँ, और मैंने यहाँ पर पर्यायवाची बनाया है। पहले हम ये जानेंगे कि पर्यायवाची का अर्थ क्या है। पर्याय का अर्थ है समान, तथा वाची का अर्थ है बताने वाला। इसको हम डिफिनेशन में बता सकते हैं, किसी शब्द का समान अर्थ बताने वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, और पर्यायवाची शब्द को समानार्थक शब्द भी कहते हैं। बहुत अच्छा। और यहाँ हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे सिंपल में, जैसे जल का नीर, पानी, वारी, पैर और शरीर, और कपड़ा का वस्त्र, पट, वसन, चीर, सांप का नाग, सर्प, विषधर, भुजंग, और आँख का नयन, नेत्र, चक्षु, लोचन, बादल का जलर, मेघ, जलधर, घन और अंबुद। बहुत सुंदर, थैंक यू। मेरा नाम महिमा सहानी है, मैं क्लास 10th डी की छात्रा हूँ, और मैंने तद्भव तत्सम का टेलम बनाया है, जैसे कि दूध का दुग्ध, काठ का काष्ट, नाच का नृत्य, सर्प, सांप का सर्प, हंसी का हास्य, और अनमोल का अनमूल्य। बहुत बढ़िया प्रश्न। मेरा नाम अदिति मौर्य है, क्लास 10th डी की छात्रा हूँ। मैंने विलोम शब्द का बनाया है, जैसे यश का अपयश, प्रेम का घृणा, घृणा, अमृत का विषय, हार का जीत, बुरा का भला, आयत का आयात का निर्यात। बहुत अच्छा। मेरा नाम प्रीति कुमारी है, मैं क्लास 10th डी की छात्रा हूँ। मैं तद्भव तत्सम का मछली की आकृति में टीएलएम बनाई हूँ। बहुत सुंदर। इच्छु ईक का इच्छु, आग का अग्नि, अनाज कान, कान का कर्ण, आज का अग्नि, कुआ का कु, घर का गृह, कर्म का कर्ण, गांव का ग्राम, खीर का छीर, दूध का दुग्ध, पानी का पानी, चरण का चरण, दांत का दंत। बहुत सुंदर। मेरा नाम प्रिया प्रजापति, मैं क्लास 10th डी की छात्रा हूँ। मैंने विलोम शब्द बनाया है, सम का विषम, चल का अचल, चल का अचल, लोम का विलोम, रात का दिन, दुख का सुख, उचित का अनुचित, मूर्ख का बुद्धिमान, सफल का असफल, श्वेत का अश्वेत, साक्षर का निरक्षर। बहुत सुंदर, मुस्कुराता हुआ सूरज, जो कि विलोम का हमें ज्ञान दे रहा है, शब्दों का विलोम क्या है। मेरा नाम सुजल है, मैं कक्षा 10th की विद्यार्थी हूँ। मैं राधा किशोरी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में पढ़ती हूँ। मैंने यहाँ विलोम शब्द का गृह बनाया है, जैसे लाभ का हानि, कोमल का कठोर और सच का झूठ, ऐसे दिन का रात, पास का दूर, काला का सफ़ेद, साफ का गंदा, ठंडा का गर्म और कठोर का कोमल, आगमन का निगमन। बहुत अच्छा।
बहुत अच्छा लगा, मन बिल्कुल खुश हो गया कि बच्चों ने इतना बढ़िया बढ़िया टीएलएम बनाया है, और यह बनाने से आपको पढ़ने में भी सुविधा होगी और अच्छा भी लगा होगा। कुछ क्रियात्मक सकारात्मक कार्य करने का अनुभव और आनंद कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। इस तरह से ही हमारी पढ़ाई होनी चाहिए ना? टीएलएम बनाए पढ़ करके उतना समझ में नहीं आया होगा जितना आपने खुद बनाया तो समझ में आया होगा। और सबने बिल्कुल अलग अलग तरीके का बनाया है, सबकी अपनी कल्पनाएं, अपना अपनी सोच, और उसको आप सबने कार्य रूप में परिणत किया। तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अब अगली बार हम कुछ और करेंगे। तो क्या करेंगे? कुछ नया सोच। बहुत बढ़िया।